अगर आप बिना किसी ट्राइपॉड और गिम्बल की हेल्प से अपनी वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत शेकी बनती है, और अगर आप वो वीडियो अपने किसी फ्रेंड को दिखाएंगे तो आपको कितना ऑकवर्ड फील होगा। तो गाइस कैसा रहेगा अगर आप अपनी मोबाइल से बनाई हुई वीडियो को ऐसे स्टेबलाइज करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगे कि आपने वो वीडियो किसी ट्राइपॉड और गिम्बल की हेल्प से बनाई है। इसके लिए ना आपको किसी ऐप की जरूरत है और इसके लिए आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ये स्टेप बिल्कुल 5 मिनट में हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काशी टेकवाल। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप अपनी हाथ से रिकॉर्ड कर वीडियो को स्टेबलाइज कर देंगे। वैसे तो ये फीचर हर एक फोन में होता है लेकिन ये किसी को पता नहीं होता, तो गाइस मैं बताता हूँ आपको ये सिंपल सी ट्रिक। मैं भी यही ट्रिक अपना के अपनी शेकी वीडियो को स्टेबलाइज करता हूँ तो अपने। गाइज ये है वीडियो क्लिप जिसको मैं आपको स्टेबलाइज करके दिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल ऐप फोटोज़ वाला खोलना पड़ेगा, जो गूगल फोटोज़ नाम की ऐप है। फिर उसके बाद आप इसमें से अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप स्टेबलाइज करना चाहते हैं। फिर नीचे यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहा होगा, उसके बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। फिर आप स्टेबलाइज के बटन दबाएंगे तो आपकी वीडियो स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी वीडियो यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रोटेट का बटन दिख रहा होगा, आप इस रोटेट को बटन को क्लिक करेंगे तो आप अपनी वीडियो को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को सेव कर लेता हूँ। तो गाइस आप देखिए हमारी वीडियो स्टेबलाइज होने के बाद कितनी बिल्कुल लग रही है कि हमने किसी ट्राइपॉड या गिम्बल से रिकॉर्ड किया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना सिंपल आइडिया है, आप अपनी बिल्कुल 5 मिनट में अपनी शेकी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपनी किसी भी वीडियो को बिना ट्राइपॉड के भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।